हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं VTube Facts चैनल। दोस्तों, ChatGPT पिछले कुछ महीने से चर्चा का विषय बना हुआ है। दुनिया भर के लोग इसे यूज कर रहे हैं और इसके दीवाने होते जा रहे हैं। खासकर इसके जवाब देने के अंदाज से लोग काफी प्रभावित हो रहे हैं। यह AI चैटबॉट इतना एडवांस है कि इसने दुनिया भर के कई बड़े बड़े एग्जाम्स क्लियर कर लिए हैं। ChatGPT पिछले कुछ समय में दुनिया भर में बहुत पॉपुलर हुआ है। AI चैटबॉट को लेकर दावा भी किया जा रहा है कि इसके पास दुनिया के हर सवाल का जवाब है। नवंबर 2022 में लॉन्च हुए ChatGPT ने पिछले कुछ महीने में दुनिया के सबसे मुश्किल एग्जाम को भी पास कर लिया है। दोस्तों, OpenAI ने ChatGPT को पिछले साल सितंबर में लॉन्च किया था और तब से इसने दुनिया की कई कठिन परीक्षाओं को पास कर लिया है। हाल ही में अमेरिका में ChatGPT ने मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम MBA का एग्जाम क्लियर कर लिया। इतना ही नहीं, ChatGPT ने US मेडिकल एग्जाम में ज्यादातर स्टूडेंट से बेहतर स्कोर किया है। साथ ही ChatGPT ने गूगल कोडिंग इंटरव्यू लेवल 3 को भी क्लियर कर लिया। ChatGPT की बढ़ती पॉपुलैरिटी और स्टूडेंट्स द्वारा गलत इस्तेमाल को देखते हुए इसे न्यूयॉर्क के स्कूलों में ब्लॉक कर दिया गया है। दरअसल बच्चे इसकी मदद से अपने होमवर्क कर रहे थे, लेकिन दोस्तों, दुनिया भर की परीक्षाओं में अपने इंटेलिजेंस का झंडा बुलंद कर चुका ChatGPT भारत में फेल हो गया है। दरअसल ChatGPT UPSC के सिविल सर्विसेज एग्जाम में फेल हो गया, जिसे दुनिया भर की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक माना जाता है। एनालिटिक्स इंडिया मैगजीन AIM को ChatGPT ने UPSC एग्जाम दिलाने का जिम्मा सौंपा गया था। इस चैटबॉट से जब यह पूछा गया कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम UPSC एग्जाम पास कर सकते हो, तो ChatGPT ने किसी तरीके का संतुष्ट जवाब नहीं दिया और यह नहीं बताया कि वह एग्जाम पास कर सकता है या नहीं। इसके बाद AIM ने UPSC प्रीलिम्स 2022 के पहले पेपर 1 के सभी 100 सवाल ChatGPT से पूछे। ChatGPT इसमें से सिर्फ 54 सवालों का ही सही जवाब दे सका। AI चैटबॉट का यह रिस्पांस काफी चौंकाने वाला था। आपको बता दें कि 2022 में जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ 87.54% थी, जिससे यह पता चलता है कि ChatGPT इस पेपर को पास नहीं कर सका। हालांकि ChatGPT के पास सिर्फ सितंबर 2021 तक की ही जानकारी मौजूद है, इसी वजह से यह करंट अफेयर्स वाले सवालों में सही जवाब नहीं दे सका। मगर चैटबॉट ने ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से कई सवालों का भी जवाब गलत दिया है। इतना ही नहीं, हिस्ट्री के भी कुछ सवालों के जवाब गलत दिए गए हैं। अब दोस्तों, आप बताइए आपको ये खबर कैसी लगी, ये आप हमें कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। इसके साथ और भी ऐसी कई जानकारियों के लिए हमारे चैनल VTube Facts को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।